एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल एसेसरीज। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप जाओगे हॉस्टल के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। इस लिस्ट में कोई भी चीज़ अगर मेरे से मिस हो जाए तो प्लीज़ अपनी तरफ से एड ऑन कर लीजिएगा। और ये जनरल वीडियो है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक कॉलेज के लिए नहीं, ये स्पेसिफिक कोर्स के लिए नहीं है, ये एक जनरल वीडियो है। अगर आप एज अ स्टूडेंट कहीं बाहर जा रहे पढ़ने के लिए और आप हॉस्टल में रहेंगे तो ये हॉस्टल एसेसरीज आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी है, जैसे वहाँ पर जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ की मार्केट आप अभी नहीं जानते हो, एकदम से आप सामान नहीं ले सकते हो। इसीलिए तब तक आप अपने सामान से सेट कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे जब आपको बाहर की चीज़ें पता चल जाएंगी फिर आप बाहर से ले सकते हो। तो ये स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, एज अ जनरल पर्पस से है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हॉस्टल एसेसरीज की मैंने पूरी लिस्ट रेडी कर ली है। ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पैकिंग और अपने सामान को रेडी कर सकते हैं। आप टिक क्रॉस कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा, इससे आपका कोई भी मटेरियल नहीं छूटेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको ले जाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, वो है आपका टॉवल। टॉवल आपको दो रखनी है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी टॉवल आपके बाथ के लिए यूज़ होगी, जो आपकी स्मॉल टॉवल होगी वो नॉर्मली आपके हैंड वॉश करने का, जो हैंड को ड्राई करते हैं हम लोग तब आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपको बकेट का यूज़ करना है, मग लेके जाना है, हैंड वॉश, शैम्पू, सोप। सोप के साथ में सोप कंटेनर ज़रूर रखिएगा। अक्सर हम लोग सोप रख लेते हैं लेकिन सोप का कंटेनर रखना भूल जाते हैं, जिससे फिर वो सोप हमारा पूरे टाइम ख़राब होता रहता है। नेक्स्ट आपको डिटर्जेंट पाउडर रखना है अपने कपड़े धुलने के लिए। आप डिटर्जेंट पाउडर के लिए एक कोई सिंपल सा डब्बा भी ले सकते हैं, जिसमें आप उसमें फिल करके रखेंगे डिटर्जेंट को। नेक्स्ट आपका है डिश वॉश या फिर सोप, आप लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं और बार यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिरर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लोथ क्लीन ब्रश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश क्यों? जब आप कपड़े वॉश करते हो, क्योंकि घर पे तो वॉशिंग मशीन होता है, उससे कपड़े बहुत सही साफ़ हो जाते हैं, बट हॉस्टल में जब आप खुद से साफ़ करोगे तो आपको ब्रश की नीड होगी, क्योंकि आपको कपड़ों को साफ़ करना होता है। जैसे कि एप्रेन है, वाइट क्लोथ्स हैं, आप जब पहनते हो क्लिनिकल में वाइट, तो उनको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको ब्रश की नीड होगी। आपको फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हो वो आप अपना फेस वॉश रख लेना। फेस वॉश मेरे अकॉर्डिंग तो आप दो रख लेना, जैसे कि साबुन है और ये शैम्पू है, या आप दो से तीन रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप जाओगे तो एक हफ्ते में तुरंत आप बाहर मतलब शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे, राइट? तो ये रखिएगा। मेडिसिन ज़रूर रखिएगा। मेडिसिन मेरा कहने का मतलब जनरल मेडिसिन, जैसे कि आप जानते हो कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपको जल्दी जल्दी बुखार होता है तो आप बुखार मतलब बुक फीवर की दवा रखिएगा। अगर आपको नॉर्मली ज़्यादा काम करने की वजह से कभी हेडेक होता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को कोई डिजीज़ होती है जैसे कि माइग्रेन है, तो वो जो भी आपकी है उस अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप वहाँ जाने का तुरंत मेडिकल स्टोर तो नहीं जाएंगे ना। तो ये मेडिसिन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा और बेसिक्स ही रखिएगा, जैसे कि एंटासिड्स इनो रख लिया आपने, आपने एसी लॉक रख लिया, फीवर के लिए आपने पीसीएम रख लिया, हेडेक के लिए आपने निमोसलाइड्स रख लिया, इनडाइजेशन के लिए आपने पेंटॉप रख लिया, या फिर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो ओंडेस्ट्रॉम। अब सबका अलग अलग होता है, तो आपको जो आपकी बेसिक मेडिसिन है वो आप रख लीजिएगा। नेल कटर होने चाहिए आपके पास नेल कट करने के लिए, क्योंकि ये नेल कटर एक बेसिक सा आ जाता है जिसको हम लोग ज़्यादातर क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। कॉम्ब होना चाहिए, कॉम्ब जो आप यूज़ करते हो प्लास्टिक का, वुडन का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। हेयर एसेसरीज बॉयज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट गर्ल्स के लिए हेयर एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिप की नीड होती है कभी हम लोगों को, रबड़ की और कभी हमें बैंड की, तो ये सब चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेनी है। नेक्स्ट बन नेट, कॉलेजेस में बन भी बनवाते हैं तो बन के बाद में नेट लगाना होता है, उसको हम लोग बेसिकली जूड़ा नेट भी कहते हैं। तो ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा और आप इसको कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा, इजीली आप उसको ले सकते हो। परफ्यूम होना चाहिए, क्योंकि गुड फ्रेग्रेंस आपका आपको ही डिसाइड करता है, तो आपको परफ्यूम रखना, जो भी आपका फेवरेट हो वो आप रखिएगा। बेल्ट होने चाहिए आपके पास, आयरन होना चाहिए, आयरन इसीलिए क्योंकि आपके जो भी क्लोथ्स होंगे उसमें सिकुड़न रहेंगी, उसके लिए आपको रिमूव करने के लिए आयरन की नीड होगी। अब कुछ हॉस्टल में नहीं मतलब रहता है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें नहीं अलाउ रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं रखोगे, आप रखोगे उसको हाइड करके रखोगे। शूज़ आपके कैसे होने चाहिए? कैजुअल होने चाहिए। क्लोथ होने चाहिए, क्लोथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैजुअल
रख लो। क्लोथ आपको हॉस्टल के हिसाब से रखना है, जैसे कि आपको जिसमें कंफर्ट हो। अगर आप लोवर टी शर्ट में कंफर्टेबल होते हो, जो आप चीज़ घर पे पहनते हो वही चीज़ आप समझ लेना कि हॉस्टल आपको कंफर्ट के लिए रखना है। स्टार्टिंग में भले आप एक दो दिन टी शर्ट और जींस में रह लो, कुर्ती जींस में रह लो, लेकिन आफ्टर दैट आपको हॉस्टल में अपने अकॉर्डिंग रहना, तो आपको जो भी चीज़ रिलैक्स करती है क्लॉथ में आप वही वेयर करिएगा। नेक्स्ट क्या, आपको कैजुअल में बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट ज़रूर रखनी है और गर्ल्स के लिए कुर्ती में कुर्ती और बॉटम रखनी है। नेक्स्ट मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि कोई भी फंक्शन होगा स्टार्टिंग में आपके, तो आप मेनली 2 से 3 महीने में आप नहीं जाओगे घर, तो आपके पास ये कैजुअल ड्रेस होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन या फिर कहीं आने जाने के लिए कैजुअल ही आपको अलाउ रहता है, और उस टाइम कैजुअल में जींस अलाउ नहीं होती, इस चीज़ के लिए मैंने जींस को मना करा है। बाकी आप जींस बाद में वेयरअप कर सकते हो। नेक्स्ट सॉक्स होने चाहिए, सॉक्स आप 2 से 3 पेयर रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्लोथ क्लिप, क्लोथ क्लिप इसलिए होने चाहिए क्योंकि आप जानते हो कि वेदर कैसा होता है, एकदम से हवा चलने लगती है, तो उन कपड़ों को आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्लिप की भी पड़ेगी, जिससे आप रोकोगे, रोक मतलब रस्सी, रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप जाओगे वहाँ पे, आप कहाँ आप कपड़े डालोगे, तो सबसे सही होता है रस्सी, कहीं से आप बांधोगे उसको और उस पर आप अपने अपने कपड़े डाल सकते हो। हैंगर की ज़रूरत होगी, हैंगर का मेन यूज़ आपका सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको एप्रन में होगा। एप्रन ऐसे कहीं पर भी डालो गंदा हो जाता है, लेकिन हैंगर में करके डालो तो कभी गंदा नहीं होता और जल्दी सूख जाता है। आपके पास टूथब्रश होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए, पेस्ट अपना 2 रख लीजिएगा, टूथ स्टैंड होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अगर आपको नीड हो तो रखिएगा। स्लीपर्स होनी चाहिए क्योंकि हॉस्टल में आप जाओगे तो स्लीपर्स की आपकी नीड होगी। स्नैक्स, स्नैक्स आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको केक पसंद है, लॉटी चोको पाई पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, बिस्किट्स पसंद है, नमकीन पसंद है, तो स्नैक्स ज़रूर रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं अच्छा लगेगा जब आपके पास मेस का खाना आएगा, क्यों, क्योंकि आपको उस टाइम पर घर के खाने की याद आएगी तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, तो उस टाइम पे आपके लिए क्या होना चाहिए, स्नैक्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कुछ यूटेंसिल्स होने चाहिए, जैसे कि प्लेट होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए, बोल होना चाहिए। नेक्स्ट आप कुछ कुक करोगे हॉस्टल में तो उसके लिए आपके पास कैटल या इंडक्शन होना चाहिए, एज़ पर यू नीड, जैसी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। आजकल तो कैटल में भी सब कुछ बन जाता है ईजिली तरीके से। फिर क्या है, आपके पास मैगी पैकेट तो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कभी भी आपको भूख लगेगी तो मैगी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही टाइम सेविंग और पेट भी बहुत जल्दी भर देती है, वो आपके हर एक टाइम के लिए बेस्ट है, तो आप मैगी तो रखिएगा। अगर आप मैगी नहीं खाते तो अदर देन आप मैक्रोनी चाउमीन रख सकते हो, नूडल्स अलग से रख सकते हो क्योंकि सबका टेस्ट अलग रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 90 to 95% लोगों को मैगी पसंद होगी, तो या मैगी ज़रूर रखिएगा। वाटर बॉटल रखिएगा, 2 वाटर बॉटल एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, आप अलग से घर से रख सकते हैं जो आपको पसंद हो खाना में एडिशनल, जैसे कि घी है, अचार है, नमक है, तो ये चीज़ आप अपने घर से ले जा सकते हैं। आपको 2 बेडशीट रखनी है क्योंकि जो बेड और मैट्रेस मिलेगा आपको उसके लिए आपको बेडशीट होनी चाहिए। आपके पास पिल्लो होनी चाहिए अगर आप पिल्लो लगाते हो, क्योंकि बहुत से लोग पिल्लो का यूज़ नहीं करते, अगर आप पिल्लो का यूज़ करते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, बिना पिल्लो के तो आपको पिल्लो होनी चाहिए, पिल्लो कवर होनी चाहिए, फिर कैंडल होनी चाहिए। कैंडल इसलिए होनी चाहिए कि अभी अब हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना कि लाइट अवेलेबल हो, कभी कभी लाइट ख़राब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में कैंडल होनी चाहिए। कैंडल होगी तो आपके पास मैच बॉक्स भी होनी चाहिए। फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी का मेरा मतलब है आपके पास बेसिक से स्टेशनरी होना चाहिए, जैसे कि आपके पास स्केच पेंस होने चाहिए, क्रेयॉन्स होने चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रेजर होना चाहिए, आपके पास में शॉर्पनर होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए, आपके ब्लू पेन होने चाहिए, ब्लैक पेन होने चाहिए, और बाकी अदर आप कोई कलर पेन यूज़ करते हो वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आओगे तब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में आपको ये सब की ज़रूरत होती है, असाइनमेंट्स होंगे तो असाइनमेंट्स की ज़रूरत होगी। स्टेशनरी में ही आपका A4 पेपर का बंडल भी आता है, आप अपने साथ कॉपीज़ लेकर आओगे, कॉपीज़ मतलब मेरे कहने का रूलिंग वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे आप एकदम जैसे कि आज आप एडमिशन ले रहे हो तुरंत आप मार्केट तो नहीं जाओगे ना, तो एटलीस्ट 2 रजिस्टर आप ज़रूर रखिएगा। इस तरीके से आप फ्लेम रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पायरल के साथ ही साथ जो लाइनिंग वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने साथ ये ज़रूर कैरी करिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्सटेंशन होना चाहिए। एक्सटेंशन क्यों, अगर आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड आपके बेड से दूर पे है या फिर आपको नीड है तब आप कैसे उसके मतलब उससे अटैच करोगे, तो उन सब के लिए आपके पास एक्सटेंशन होना चाहिए। एक्सटेंशन बोर्ड से एक बोर्ड से आप कई ज़्यादा सप्लाई में अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए। अब ये न्यूज़पेपर क्यों होना चाहिए, न्यूज़पेपर इसलिए जैसे कि अगर आपको कबर्ड मिली है तो वो कबर्ड गंदी साफ करने का, तो आप न्यूज़पेपर बिछा के उस पर कोई भी सामान रख सकते हो। न्यूज़पेपर होता है तो एक बैरियर बन जाता है हर एक चीज़ के लिए।
आप विंडो में लगा सकते हो धूप के लिए, और सफाई के लिए भी इजी रहता है। अगर आप टिफ़िन बेड पे करो कुछ नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ करके टिफ़िन कर सकते हो। न्यूज़पेपर का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और जब नहीं होता तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ हमें कितनी ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट अम्ब्रेला होना चाहिए। इस वक्त तो वेदर भी रेनी सीज़न हो रहा है, तो कभी भी बारिश होती है तो अम्ब्रेला आपका खुद का होना चाहिए। अम्ब्रेला ही कंफर्टेबल रहता है, रेनकोट से ज़्यादा अम्ब्रेला बेटर है, और अम्ब्रेला आपके पास होना चाहिए। गर्मी में भी वैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप अप एंड डाउन करोगे। नेक्स्ट आपके पास टेबल लैम्प होनी चाहिए। टेबल लैम्प इसलिए, अगर आपका रूम शेयरिंग का रहेगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी कि अगर लाइट ओपन है आपके रूममेट को प्रॉब्लम हुई, तो आपके पास अगर सुटेबल टेबल लैम्प है तो आप उसका यूज़ करके अपने वर्क को कर सकते हैं। वैसे टेबल लैम्प की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं होती है, हॉस्टल में आने के बाद ऐसा कोई पर्सन नहीं जितना ज़्यादा काम करता है, मेनली वो सारे काम दिन में निपटा ही लेता है। लेकिन अगर आप नाइट आउल हो, आपको नाइट में पढ़ने का शौक है, फिर नाइट में आपके एक्टिविटीज़ करते हो, तो आप टेबल लैम्प का यूज़ कर सकते हो। रूम क्लीजिंग मटेरियल जैसे कि आपको झाड़ू है, पोछा है, या फिर आप कह सकते हो डिटर्जेंट्स में आते हैं, या फिर डिसइंफेक्टेंट्स आप यूज़ करते हो, हार्पिक यूज़ करते हो फॉर एग्जांपल बाथरूम क्लीनिंग के लिए, तो वो सब आपका आ जाएगा रूम क्लीनिंग मटेरियल में। हॉस्टल एसेसरीज़ की लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है। सो स्टार्ट कर दीजिए अपनी पैकिंग को अपने हॉस्टल के लिए, और कोई भी चीज़ इसमें से मिस हो जाए तो प्लीज़ अपने तरफ से ऐड ऑन कर दीजिएगा, और कुछ भी चीज़ मैंने अगर मिस करी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।